Srikant, your science teacher. Today we are going to discuss about class 7th topic heat and temperature. ठीक है, पार्ट नंबर 3. ठीक है, देखिए इसमें हम लोग अब ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट किस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है. बेटा हीट का जो ट्रांसफर होता है वो 3 टाइप्स होता है. तो पहला हमारा क्या है, कंडक्शन. कंडक्शन. दूसरा क्या है, कन्वेक्शन. और तीसरा क्या है, रेडिएशन. कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, 3 टाइप से हीट का ट्रांसफर होता है. तो सबसे पहले देखिए कंडक्शन कैसे होगा. ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अदर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट. बिना मूवमेंट किए हुए क्या करते हैं, पार्टिकल्स के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं. ठीक है, कंडक्शन में हमारा क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, तो इसमें इसका मेन एग्जांपल हम लोग कंडक्शन का लेते हैं. देखिए इफ वी टेक आर आयरन रॉड, जब हम कभी आयरन की रॉड लेते हैं अब उसका एक तरफ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या होती है, कुछ समय के बाद धीरे धीरे करके वो रॉड पूरी गर्म हो जाती है. ठीक है, तो क्या उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो कैसे हैं, टाइटली पैक्ड हैं. तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोज हमने एक आयरन ले ली और यहाँ पर इससे क्या किया, इसको ऐसे हीट करा रहे हैं, ऐसे गर्म कर रहे हैं. ठीक है, इसको गर्म कर रहे हैं यहाँ से, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे यहाँ गर्म होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे धीरे धीरे करके क्या करेंगे, पूरी रॉड को इसने इसको ट्रांसफर किया, इसने इसको ये ट्रांसफर किया, और कुछ समय ऐसे कुछ समय के बाद ये पूरी रॉड हमारी कैसी हो जाएगी, हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी. ठीक है, तो ये मेन एग्जांपल हमारा किसका दिया है, कंडक्शन का. ठीक है, इसको मेन हम ये भी कह सकते हैं, कभी कभी जब हम क्या करते हैं, घर में जो कुकिंग करते हैं किचन में, तो जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, कंचुल वगैरह जो होता है भगोने में डालते हैं, सब्जी वगैरह पकाते हैं, तो उसमें कुछ समय के लिए रख देते हैं, तो देखते हैं कि वो एक तरफ जहाँ पर रखा है दूसरी तरफ जहाँ पकड़ते हैं वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. तो फिर हम उसको यूज के क्लॉथ से यूज करते हैं पकड़ने में. ठीक है, या फिर उसमें क्या होता है, प्लास्टिक का एक हैंडल लगा होता है, जिससे क्या होता है, हमारे हाथ बर्न नहीं होते, जलते नहीं है. ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कंडक्शन. दूसरा है हमारा कन्वेक्शन. कन्वेक्शन जो हमारा क्या होता है, लिक्विड से गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है. ठीक है, वो हमारा कन्वेक्शन है. देखिए ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैस इज बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन. ठीक है, जो कन्वेक्शन के मेथड से लिक्विड और गैस के फॉर्म में हो जाता है वो क्या कहलाता है, कन्वेक्शन कहता है. ठीक है, तो सबसे पहले ऑल लिक्विड्स एक्सेप्ट मरकरी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. मरकरी को छोड़कर सारे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते. अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये सबसे पहले देखते हैं. कंडक्टर्स क्या होता है, जब बात कंडक्टर्स की आ गई भी, तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर हैव अ गुड. कंडक्टर्स में कह सकते हैं जिसमें हीट फ्लो की जा सकती है. ठीक है, उसे हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं, जैसे कि आयरन, ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम. ठीक है, तो ये सारे क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के गुड कंडक्टर है. और अगर बैड कंडक्टर जिसे कह सकते हैं, हीट का बैड कंडक्टर क्या है, जिसे हम लोग इंसुलेटर भी कहते हैं, रबड़, और जो हमारी वुड होती है, लकड़ी जिसे कहते हैं, ठीक है, प्लास्टिक है, ये सारे क्या है, इंसुलेटर या बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो जब कंडक्टर गुड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर का कहा गया, मतलब मरकरी को छोड़कर सारे क्या है, हमारे मरकरी आर पुअर कंडक्टर आ गई कह सकते हैं. मरकरी हमारा पारा जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का. ठीक है, नेक्स्ट वन आता है, हीट एनर्जी इज कैरीड बाय मूविंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इसको ले जाता है. ठीक है, और तीसरा पॉइंट आता है हमारा कन्वेक्शन. तीसरा कन्वेक्शन आता है,
ठीक है। इसको ट्रांसफर कैसे करते हैं, इसमें हीट कन्वेक्शन इज द फिनोमेनन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल्स थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। सपोज कन्वेक्शन इज दैट प्रोसेस द ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच द ट्रांस ट्रीटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड देमसेल्फ मूव टू कैरी हीट फ्रॉम हॉट टू द कोल्ड पोर्शन। मतलब हॉट पोर्शन से कोल्ड पोर्शन में हमारा क्या होगा, ट्रांसफर होगा इसका, ठीक है। अब देखिए, जैसे जैसे कोई चीज़ क्या होती है, गर्म करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, गर्म करते हैं कोई भी चीज़, तो पहले क्या होते हैं, जिसको पार्टिकल नीचे पार्ट के सबसे बॉटम में होते हैं वही पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे हीट होते हैं। देन वो क्या करते हैं, दूसरे ऊपर वाले पार्टिकल को हीट देते हैं, जिसके बाद फिर ऊपर वाले पार्टिकल को, कुछ समय के बाद पूरा जब हमारा हीट हो जाता है वो लिक्विड्स, ठीक है, तब वो चीज़ क्या करने लगती है, बॉयल होने लगती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, घर में जो वाटर होता है उसको उबालते हैं, या फिर कभी कभी चाय बनाते हैं हम लोग, तो चाय बनाते हैं तो डायरेक्टली चाय स्टोव के ऊपर रखने पे, गैस चूल्हे के ऊपर रखने से डायरेक्ट एकदम हमारी बॉयल नहीं होने लगेगी। पहले उसके क्या कहते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, बॉटम पार्टिकल्स होते हैं, वो हीट होते हैं धीरे धीरे करके, कुछ समय के बाद क्या होता है, पूरी जब हमारा लिक्विड हीट हो जाता है तभी वो बॉयल होता है, और जब हीट पहुँचती है तो देखते हैं कि छोटे छोटे हमारे क्या होते हैं, बबल्स टाइप के उसके नीचे आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऊपर वाले अपर वाले पोर्शन को ट्रांसफर कर रहे होते हैं उस कंडीशन पे, ठीक है। अब रोल ऑफ कन्वेक्शन का क्या रोल है हमारा, करंट्स, रोल ऑफ कन्वेक्शन करंट्स इन डेली लाइफ। स्मोक एंड हॉट गैसेस प्रोड्यूसेस इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में जो धुआं निकलता है और जो गर्म गैसें निकलती हैं, एंड वर्कशॉप में जो काम करते हैं लोग, एस्केप थ्रू द टॉल चिमनी ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट। टाल चिमनी, लंबी लंबी चिमनी बनाई जाती है, चिमनी से क्या होता है, वो हीट जो होती है या वो स्मोक जो होता है वो बाहर निकलता है, जिससे कि उस एरिया का एनवायरनमेंट हो वो हमेशा कैसा बना रहे, कूल बना रहे, ठंडा बना रहे, ठीक है। तो ये उसका रूल हमारा है, क्या जब कोई चीज़ हीट होती, हीट करके क्या होती है, वो ऊपर की तरफ हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ ट्रांसफर होती है, ठीक है। हॉट एयर दैट वी ब्रीथ आवर एस्केप्स, हॉट एयर जो होती है हमें सांस लेते हैं थ्रू द वेंटिलेटर्स, एंड फ्रेश एयर एंटर्स थ्रू डोर्स एंड विंडो, विंडो में क्या, डोर्स और विंडो के थ्रू बाहर हमारी फ्रेश एयर आती है और हॉट एयर निकलती है, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने रूम में वेंटिलेटर्स लगा देते हैं, जिसे एग्जास्ट कहते हैं, ठीक है, जिससे हमारी गर्म हवा होती है वो बाहर निकल जाती है, किचन से या रूम से या जो भी हमारा घर में बना है उससे बाहर निकल जाता है, और ठंडी हवा जो एयर होती है वो हमारे डोर या विंडो के थ्रू अंदर आ जाती है, तो वो हमारा प्लेस कैसा महसूस होता है, कूल महसूस होने लगता है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।